हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज में डीजी बाय साधना और साधना झोमस रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। पाव भाजी मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड है। पाव भाजी बर्थडे पार्टी या छोटे मोटे कोई भी फंक्शन में बनाई जाती है, तो घर पे ही बनाइए बच्चों की पसंदीदा पाव भाजी। पाव भाजी बहुत चटपटी होती है। पाव भाजी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं, उबले हुए आलू कद्दूकस करके, 3 टमाटर मीडियम साइज के बारीक कटे हुए, फूलगोभी, ग्रीन पीस, शिमला मिर्च एक बारीक कटी हुई, 1 गाजर बारीक कटा हुआ, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 साबुत लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 10 मिनट गुनगुने पानी में भिगो के रखी थी, स्वाद के अनुसार नमक, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, 7-8 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक क्रश करके लिया है। पहले हम सब्जियों को उबाल लेंगे। कुकर में पानी लिया है, गोभी डालेंगे, शिमला मिर्च, हरी मटर फ्रेश मटर लिए, गाजर, सब्जियों को 4 से 5 सीटी होने तक हम कुक करेंगे। हमारी सब्जियां उबल रही है, तब तक हम टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। टमाटर डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च भिगो के रखी थी वो, ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर की प्यूरी बाउल में निकाल लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से रेड कलर आया है उसका। उबली हुई सब्जियों का एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। सब्जियों को स्मैश करेंगे। सब्जियों को स्मैश किया है, अब उसमें उबाल के कद्दूकस किया हुआ आलू डालेंगे, उसे भी स्मैश करेंगे। आलू को भी अच्छे से स्मैश कर लिया है। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है, उसमें प्याज डालेंगे, प्याज का कलर बदलने तक उसे अच्छे से भून लेंगे। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो बटर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल के आइकॉन को जरूर दबाइएगा, इससे मेरी नई आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अब उसमें क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे। एक मिनट तक लहसुन और अदरक को भून लेंगे, लहसुन की कच्ची स्मेल जाने के लिए। अब उसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। प्यूरी को अच्छे से भून लेंगे। टमाटर प्यूरी को तेल छूटने तक भून लिया। पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे।
स्मैश की हुई सब्जियां, सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पानी सब्जियों का निकाला था वो डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बटर का क्यूब डालेंगे। पांच मिनट तक ढक कर पकाएंगे। हमारी गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका टेक्सचर, उसकी कंसिस्टेंसी। हमारी पाव भाजी तो बन चुकी है। पाव भाजी का मजा गर्मा गर्म पाव के साथ आता है, तो उसके लिए हम पाव सेक लेंगे। पाव को मैंने बीच में से काट लिया है, अब हम उसे सेक लेंगे। पाव को हम दोनों बाजू से सेक लेंगे। बीच में सेकेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे लाल मिर्च और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं पाव को सेकने के लिए। अब हम उसे सर्विंग प्लेट में रख देंगे। गर्मा गर्म पाव भाजी गर्मा गर्म पाव के साथ सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बटर, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। इस तरह की टेस्टी पाव भाजी जरूर बनाइएगा।